ये बच्चे मन के सच्चे दाल दाल कच्चे ये बक बैठे हुए हैं हम बच्चे। और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ जी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इतने सालों के बाद भी हम 12-13 साल हम लोग यहाँ पे हो गए हैं, उसके बावजूद हम हर ईद पे अपनों को बहुत ज्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं। और हम लोग ईद की सुबह का आगाज कर चुके हैं माशाल्लाह से। सबसे पहले जो मुसलमानों पे अवलीन हमारा फर्ज है नमाज का, नमाज यहाँ पे अभी भी बच्चे तो बिल्कुल नहीं जा सकते थे और ना ही गए हैं, नमाज पढ़ी गई। उसके बाद हम लोगों ने जी खीर का इस्तेमाल किया था, खीर खाई है और उसके अब हम तैयार हैं। हम तैयार हैं किस लिए कि हम लोग आज कहीं इनवाइटेड है, जैसा कि हमने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि हमने कुर्बानी पाकिस्तान में की है, यहाँ पर नहीं की। तो हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स वगैरह हैं उनकी तरफ आज नाश्ता है, कुर्बानी है, हम वहाँ जाकर कलेजी खाएंगे। और अभी इश्माइला ने खीर बनाई थी, अभी बल्कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने माशाल्लाह से नेबर्स में, तो अहमद देने जाएंगे सबको खीर। और बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ रैप वगैरह कर लिया, ये जो खीर हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है ये 3 बाउल्स 4 बाउल्स। तो अहमद यानी आप देख रहे हैं नीचे जो फैमिली है उनको, और यूसुफ आप आए, यूसुफ आप देख रहे हैं, उम्मे हसन जो है उनको देख रहे हैं तो नीचे जी नीचे चले। और हम लोग भी निकलते हैं जो हम नाश्ते के लिए जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम बाहर निकल रहे हैं, अभी हम बाहर अपने फ्रेंड के घर में जा रहे हैं और ये हमारी गली है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो व्यूअर्स यहाँ पर बहुत गर्मी है हमारी गाड़ी में। ये बच्चे मन के सच्चे दाल दाल कच्चे ये बक बैठे हुए हैं हम बच्चे। और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ जी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इतने सालों के बाद भी हम 12-13 साल हम लोग यहाँ पे हो गए हैं, उसके बावजूद हम हर ईद पे अपनों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं। अपनों के साथ ईद का मज़ा है, लेकिन फिर भी इंसान जहाँ पर रह रहा होता है उसका वैसे ही उसकी ज़िंदगी चल रही होती है। तो इंशाल्लाह जी हम लोग तो आ गए हैं अब क्या कहते हैं नाश्ते के लिए, और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।